मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर सेंटर्नी ब्लॉग डे 3। अभी हम लोग मॉर्निंग को उठ के आज हम लोगों ने अपने प्लान में क्या रखा है बताओ। आज हम जा रहे हैं वोल्केनो देखने। कल जो आज पृथ्वी देख रहे थे कुछ लोग जस्टोटवादी वोल्केनो, आज देखने जा रहे हैं उस वोल्केनो का क्रिएटर। थोड़ा स्क्रैच करते सरफेस स्टिल सेज दैट हीट कम्स आउट, अभी फ्यूम्स कम आउट, सो रियल इंटरेस्टिंग। पर इससे पहले हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने आए और ये सेटअप बहुत ही कूल है, दिखाओ थोड़ा सा। I think it's, हम लोग जब भी आते थे वी यूज्ड टू क्रॉस बाय दिस प्लेस एंड थॉट दैट वी शुड कम। हां, यहां पर अपना लोकल फ्लावर भी है गेंदा। Now we are going to book our day trip ticket from the shop. अभी हम लोगों ने टिकट बुक कर लिया, आ जा रहे हैं अभी बोट पे। सॉरी, ये कैफे देखिए कितना अमेजिंग प्लेस पे है और यहाँ पे लिखा हुआ है सनसेट व्यू भी। यहाँ पे आके सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और ये पोर्ट है। एक्चुअली में हम लोग को लगा था ऊपर से कि वो इतना पास में है तुरंत पहुंच जाएंगे, बट बहुत ही देर लगा पहुंचने में। तो हम लोग का अभी 10:45 को है, देखते हैं कौन सा बोट है हम लोगों का। लुक एट दिस वाटर, कलर देखिए पूरे टर्कोइश कलर का है बीच का। वाह, और ये अगर आ गया हम लोग का बोट, हम लोग इसी बोट में जाने वाले। अच्छा शेड है, पूरा धूप में नहीं बैठना पड़ेगा। और पता है लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ग्लास बोट है, इसका मतलब नीचे में पूरा ग्लास होगा तो हम लोग को पूरा वाटर कलर दिख सकता है। एक्साइटेड ये। हम लोग आ गए हैं बोट में और ज़्यादा लोग नहीं है और सब लोग को काइंड ऑफ अपना चेयर टेबल मिल गया है और ग्लास बोट शायद नीचे होगा, नीचे जाके देखेंगे। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा बार भी है। तो ये 10:30 वाला बोट जा रहा है, ये बोट पूरा पायरेट बोट जैसा है। और हम लोग का है अभी 15 मिनट्स बाद। हम लोग का बोट बहुत डिफरेंट है, काइंड ऑफ मॉडर्न काइंड ऑफ बोट है। हेलो जॉय, कैसा लग रहा है व्यू? आ गया हम लोग का फर्स्ट स्टॉप और अभी हमको इस माउंटेन के एकदम टॉप तक ट्रैकिंग करके जाना है। और यहाँ पे घुसने के लिए पर पर्सन 5 यूरो लगता है। बताओ कहाँ जा रहे हो? क्रेटर पे, हाइट करीबन 1.2 किलोमीटर। थक के हालत खराब। अरे पहुँचना है ऊपर तक, चलो 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 चलो। ये देखो, दैट्स वेयर डेस्टिनेशन इस लोग जगह पर खड़े हैं। टीडीएस ये हाइक है और द सन इज नॉट हेल्पिंग इट, बट पहुंच जाएंगे। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट पहुंच। ये देखो मतलब तो बच्चे को गोदी में लेके आया गया, हम लोग अपने आप को खींच नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए हैं, दिस इज द पिक पॉइंट एंड लुक एट दिस व्यू। हमारा वोल्केनो राइड खत्म और ये पेटू इंसान हमारा फोटो बूम कर रहे हैं। बट अभी हम लोग जा रहे हैं एक हॉट स्प्रिंग पे जो दूसरे आइलैंड पे है, तो थोड़ा वहाँ पर मड भी ऐसा है, सो यू कैन पुट सम ऑफ दिस वोल्केनिक मड ऑन योर फेस एंड बॉडी व्हिच इज अपेरेंटली गुड फॉर स्किन ट्रीटमेंट।
ये सारे हैं प्राइवेट यॉट। अगर आपको यू वांट टू बी फैंसी एंड पूरा दिन यॉट में बिताना है देन यू कैन ऑलवेज रेंट दिस वंस, बट इट कम्स एट अ प्राइस। पहुंच गए हम लोग अपने सेकंड स्टॉप। आइलैंड ये जो रोड दिख रहा है हमारे जो लाइक ए विलेज रोड जो वाइंडिंग है ऑल अक्रॉस आउट, तो हमें ऊपर ये चढ़ के जाना होगा फॉर द पोर्ट। हम लोग पहुंच गए अभी और यहाँ पे 2 आवर्स का हॉल्ट है, तो हम लोग लंच करेंगे थोड़ा स्विम करेंगे। हम आ गए अभी लंच करने के लिए और पीछे देखो ये बहुत ही छोटा सा क्यूट सा कैफे रेस्टोरेंट बना हुआ है। हाँ एक्चुअली वहाँ पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं बट ये वाला हम लोग को बहुत सिंपल एंड क्यूट लगा था। हम लोग यहीं पे बैठ गए और व्यू है ये, यहाँ पे बैठेंगे लंच करेंगे और स्विम भी करेंगे। क्या पी रहे हो आप? सनराइज बीप सनराइज। ये है चिकन डिश, ये भी ग्रीक का कोई फेमस डिश है, चिकन गायरोस। मेरे पास मिल गए पिस्ताशियो मिल्क शेक और खाने के साथ हम लोगों को मिल रहा है व्यू भी मस्त सा। काफी नीचे से शुरू किया हम लोगों ने हाइक, ये हमारा सेकंड हाइक है एंड इट्स क्वाइट टायरिंग। और हम लोगों को जाना भी है क्राउड बट व्यू तो इस वर्थ द हाइक। दिस विलेज इज लाइक सो हाई अप, आई डोंट नो हाउ डू दे मैनेज देयर डेली लाइफ, बट कुछ कुछ सुंदर घर भी है। आई थिंक दैट्स व्हाट प्रोबब्ली वर्थ नोटिसिंग। और ऊपर से व्यू इज प्रीटी नाइस एज वेल, बट टुशी इज टायर्ड सो I have to take up the baton and do the vlogging. Wow, nice house. तो यही है ग्लास बोट का कॉन्सेप्ट कि नीचे पूरा ग्लास का रहता है जिसके लिए हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता है ये देखने के लिए बस। This is a church located here. Are you kidding me? ये हमारा केबल कार और ये हमारा पोर्ट एंड दैट्स एंड ऑफ 6 आवर्स इन द मेडिटेरेनियन सी। और ये है वेरी टायर्ड तुषी दत्ता। ये आगे हम लोग केबल कार का टिकट काटते हैं क्योंकि हम लोग में बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि स्टेयर किस यूज़ करें। कितना है पर पर्सन केबल कार? 60 मैं फिर भी केबल कार से ही जाऊंगी। जा रहे अभी केबल कार से। कितना ऊपर जाना है देखो हम लोग को केबल कार से, और मॉर्निंग सेम जगह हम लोग पैदल चल के आए थे। यहाँ पे देखिए कितना सारा सी फूड है। दिस इज लॉबस्टर, दिस वन इज लॉबस्टर। वाव ये रेस्टोरेंट कितना ब्यूटीफुल है। अभी तो पूरा खाली है क्योंकि अभी ना डिनर टाइम है ना लंच टाइम है, लेकिन सोच रहे आज यहाँ पे आके डिनर करेंगे, आज नहीं तो कल कभी भी है ना। नहीं तो ब्रेकफास्ट में भी आ सकते हैं। हेलो गुड इवनिंग,
हम लोग आ गए हैं अपना बोट ट्रिप करके, लाइक डे ट्रिप, 6 आवर का डे ट्रिप। और हम लोग जब आ रहे थे केबल कार से, तो हम लोग के केबल कार में सेम पर्सन था जो बोट में बारटेंडर था। तो हम लोगों ने उससे पूछा है कि लाइक यहाँ पे कौन सा बीच है जहाँ पे प्रॉपर स्विम किया जा सकता है, क्योंकि अब तक हम लोग जितना भी बीच गए सब रॉकी बीच है, तो उसमें नहाना बहुत मुश्किल है। तो ही रिकमेंडेड अस पेरिसा बीच। तो अभी जाएंगे वहाँ पे, चेकआउट करेंगे कि वो सैंड बीच है कि नहीं, और अगर ये सैंड बीच होता है तो कल हम लोग अपना पूरा इवनिंग की आफ्टरनून राइट, पूरा आफ्टरनून हम लोग वहीं पे स्पेंड करने वाले। तो लेट्स गो देयर। हम लोग आ गए हैं अभी पेरिसा बीच पे, और ये बीच परफेक्ट है फॉर स्विमिंग, तो कल हम लोग यहीं पे आने वाले हैं। और बहुत टाइम भी स्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि आप पीछे पूरा देख सकते हो बीच बैड है, तो आराम से रिलैक्स करो, खाओ और घूमो। क्या लगता है, सही डिसीजन होगा कल? ओके, ये है ग्रीक फेमस और एक डिश, ग्रीक क्लब सैंडविच, नो सॉरी पिटा क्लब सैंडविच राइट, दिस इज पिटा क्लब सैंडविच। कैसा है? नाउ वी आर गोइंग टू हियर टू एंजॉय द सनसेट। ग्रीक फेमस स्वीट, हम लोग ये वाला ट्राई करेंगे। और सामने बार है, और यहाँ पे पूरा हमें पता है रात के 12 बज रहा है, और यहाँ पे सब कुछ ओपन है, स्पेशली रेस्टोरेंट। और मेरे पीछे देखिए आप, फीरा में रात को लाइक आफ्टर 11 o'clock ऐसा लगता है कि सब लोग निकलते हैं। हम लोग भी अभी इतने रात को डिनर कर रहे हैं। फिर से हम लोगों ने मैंने कुछ ग्रीक स्पेशल ऑर्डर किया है, और जॉय उसका बंगाली वाला क्या बोलते हैं इसको, जाग गया है, तो वो अभी फिश सी फिश खाएगा। तो देखते हैं उसका सी फिश कैसा होता है, तब तक मैं अपना ग्रीक की डिश ट्राई करती हूँ। मुझे ग्रीक क्यूजिन बहुत अच्छा लगता है, लाइक पीटा ब्रेड मेरा तो फेवरेट बन गया है। पीटा ब्रेड मैं आई गेस 3 दिन हो गए ना हम लोग आए हैं, और तीनों दिन हम लोग पीटा ब्रेड खाए हैं। आज तो ये हम लोग का सेकेंड की थर्ड टाइम हो रहा है, तो हाँ हम लोग डिनर करते हैं। तो मिस्टर जॉय, तुम्हारा तो फिश आ गया है, कैसा लग रहा है? खाओ खाओ, मुझे रिव्यू चाहिए। ओ बहुत गर्म होगा, बी केयरफुल। कैसा है बोलो? नाइस, ओके, एंजॉय योर फिश। हेलो, अभी रात का 1 o'clock हो रहा है, और मैं अभी शावर लेके आई हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन हम लोग इतना घूमे कि कुछ और करने का टाइम नहीं मिला। तो अभी सोते हैं, कल के लिए एनर्जी गेन करते हैं, और कल फिर शुरू करते हैं अपना एक नया दिन। टिल देन बाय बाय।